ठीक, चलिए एक एक करके पुष्पांजलि अर्पित करिए अगरबत्ती जलाकर। इसी वजह से इसके बीच में इन्होंने दो ओजस्वी नारे दिए जो हमारे गुलाम भारत के लिए एक औषधि के रूप में काम किया। पहला नारा था तो मुझे खून दो मैं तो बस। पिता का जो स्वप्न उन्होंने पूरा किया और फिर उन्हें उसको छोड़ दिया, और जैसे उन्होंने उस पद को छोड़ा तो पूरे देश भर में ये आग की तरह फैल गया। क्योंकि चलो दिल्ली, चलो दिल्ली मोरा, जय करे से आज तुमी को था नेताजी। अमर रहे लाल चंद्र बोस, अमर रहे इंकलाब, जिंदाबाद इंकलाब, जिंदाबाद। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज। जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो पे। तो आज है सुभाष चंद्र बोस जयंती। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ बंगाली समाज के द्वारा हमारे गांव रविंद्र नगर में छोटा सा आयोजन किया जाने वाला है। तो फिलहाल मैं आज वहीं पे जाने वाला हूँ। तो आप तो शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे इस वीडियो पे बने रहेगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अगर पसंद आती है वीडियो आप सभी को तो एक लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पकड़ लीजिए एक अगरबत्ती दीजिए, एक कम प्रणाम प्रणाम। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ कोई नारा लगाओ सुभाष चंद्र बोस की। आइए सर, सुभाष चंद्र बोस की जय। आइए सुभाष चंद्र बोस की जय। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। 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 इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज। जय हिंद जय हिंद। ये दो इनका खास करके नारा है, जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। और ये राष्ट्रीय नारा मुझे हो गया, जय हिंद। चलिए एक एक करके पुष्पांजलि अर्पित करिए अगरबत्ती जलाकर। अगरबत्ती मैं भी जा रहा हूँ। हाँ मैं दे रहा हूँ। नमस्ते नमस्ते। चलिए कोई तो शुरुआत करिए कम से कम। आगे सिलो दिल्ली, चलो दिल्ली मोरा, जय करे से आज तुमी को था नेताजी। आज तुमी को था नेताजी। লাল কিল্লার উন্নত শরীরে পতাকা বিবরণ সবিছে আজি। আজ তুমি কোথা নেতাজি, আজ তুমি কোথা নেতাজি। यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारीगण, ग्रामवासी सभी को मेरा नमस्कार। जी हाँ, मैं राहुल समझदार, और आज सुभाष चंद्र बोस जी का 126वीं जन्म उत्सव है और उसे मनाने के लिए हम यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए हैं।
और यहाँ पर आप सभी लोग अपना उपस्थिति दर्ज करवाए उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को बहुत ही करने में बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा चटर्जी काकू, कान्हाई दा, प्रदीप दा, रघु सर, तारक दा। हमेशा मैं देखता हूँ कि वो माला लेके सबसे पहले पहुँच जाते हैं, तो बहुत बड़ा योगदान। ये छोटा छोटा चीज़ लग रहा है लेकिन ये छोटा छोटा चीज़ भी बहुत बड़ा है अपने आप में। अब बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी का, तो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में मैं भी इनका जन्मोत्सव से पहले मैं एक बार पढ़ रहा था, तो बहुत सारा चीज़ें मेरे को जब मैं पढ़ा तो बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आया कि ये पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत तेज थे। इन्होंने BA ऑनर्स की पढ़ाई दिल्ली और कलकत्ता यूनिवर्सिटी से की और शुरुआत इनका जन्म जो है उड़ीसा के कटक में हुआ था, तो वहीं पे शुरुआती पढ़ाई वहाँ और फिर बाद में इनका BA ऑनर्स का पढ़ाई कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया। बाद में इसके पिता चाहते थे कि ये आईसीएस का पढ़ाई करे, वो परीक्षा वो पास हो, और वो परीक्षा जो है जैसे आजकल कलेक्टर होता है जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, तो उस एग्ज़ाम को पास होने से बड़े पद में वो आसीन होते हैं। तो उनको इच्छा तो नहीं था लेकिन अपने पिता के स्वप्न को उन्हें पूरा करना था, और उन्होंने ICS की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड लंदन चले गए। और वो पढ़ाई जो है वो 4 साल का था, उन्हें 4 साल का पढ़ाई जो है वो 7 महीने में ही कर ली और चौथा रैंक उनको आया था। तो चौथा रैंक आ गया था, अच्छा पद मिल गया था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लेकिन उनके अंदर जो था वो देश ये देश प्रेमी थे और देश के लिए ये बहुत कुछ करना चाहते थे। तो बस पिता का जो स्वप्न उन्होंने पूरा किया और फिर उन्हें उसको छोड़ दिया, और जैसे उन्होंने उस पद को छोड़ा तो पूरे देश भर में ये आग की तरह फैल गया, क्योंकि कोई छोटा मोटा वो पद नहीं था, बहुत बड़ा पद था। तो ऐसे में ये पद छोड़ दिया देश के लिए, तो ये बात आग की तरह पूरे भारतवर्ष में फैल गया और हजारों लोगों का भीड़ जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी से मिलने के लिए बेताब हो गए, और हर कोई यही हर कोई इनसे मिलना चाहता था। और बाकी तो सभी जानती हैं कि उन्हें, मुझे लगता है वो 11 लगभग अपने जीवन भर में 11 बार कारावास में बिताया समय देश के लिए। उसके बाद ये राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, कांग्रेस में ये 2 बार अध्यक्ष भी रहे, बाद में 2 खंडों में ये बढ़ गया, नरम दल गरम दल, है ना। और उसके बाद फिर बटने के बाद फिर माहौल कुछ ऐसा बना कि फिर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा तक इनको देना पड़ा। लेकिन एक समय ऐसा था जब उनका जो कद है वो सबसे ऊपर में था, क्योंकि द्वितीय जब सेकेंड बार जब अध्यक्ष के लिए जब चुनाव हो रहा था, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस के विरोध में गांधी जी ने सीता रमैया जो साउथ के थे उनको खड़ा कर दिया, और पूरे देश भर में घूम के उन्होंने बोल दिया कि सीता रमैया का हार मेरा हार, तो सभी सीता रमैया को वोट करें। लेकिन उसके बाद भी सुभाष चंद्र बोस उस जीत के अध्यक्ष बन गए, लेकिन माहौल उनके विपरीत चल रहा था और गांधी जी भी नहीं चाहते थे कि वो अध्यक्ष पद पर बने रहे, जिस कारण से फिर वो उस पद से इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पर ये ना सोचें कि उनका बहुत ज़्यादा मनमुटाव था, लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था, वैसा कुछ हुआ नहीं था, बस मनभेद नहीं था गांधी जी के साथ। गांधी जी के साथ उनका कोई मनभेद नहीं था, मतभेद था, जिस कारण से वो कांग्रेस को छोड़ दिया, फिर अपना एक पार्टी बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक ऐसे कुछ था नाम, उसमें कुछ समय तक वो काम किया, और बाद में अंग्रेज को समझ में आ गया कि ज़्यादा बाहर रहेगा तो दिमाग ख़राब कर देगा इसको, बार बार इसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया जाता था। और लास्ट में फिर उन्होंने भूख हड़ताल किया, तो कुछ खाना पीना सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, तो अंत में फिर अंग्रेज़ों को उन्हें छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर वो नज़रबंद में रहे, वो अपने घर उनके ही घर में उनको नज़रबंद रखा गया, वहाँ पे उनके घर के अंदर बाहर हर जगह वो अंग्रेज के देखरेख में रहने लगे। और एक दिन उन्होंने सबको चकमा देकर अपना एक उनका एक मित्र था जो मुसलमान थे,
है ना, उन्होंने उनको उन्होंने तार भेजा, वो उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो उनके घर में आए और भी कई मित्र थे। उसके बाद फिर उन्हें उनका भतीजा था, उसका नाम क्या शेषिर था, तो वो फिर उनके मदद से उनके कार के साथ वो फिर वहाँ से सबको चकमा दे के वो भाग निकले और बोलते हैं काबुल अफगानिस्तान होके वो फिर कई सारे देश गए और सबसे मदद मांगी अपने देश को आज़ाद करने के लिए। उन्होंने सेना बनाने के लिए सबसे गुहार लगाई और उसमें द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था, तो जो पूरा देश जो है वो दो खंडों में बटा हुआ था, इधर इंग्लैंड अमेरिका सोवियत संघ और इधर जर्मनी जापान, इधर एक गुट था। तो जो जो अंग्रेज का जो सेकेंड गुट में जो खड़ा था जैसे कि जापान जर्मनी, तो इन्होंने बोला कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है ना। तो इन्होंने जाके जर्मनी गया, फिर वहाँ से फिर वो जापान गए और जापान में जब वहाँ के प्रधानमंत्री से वो मिले तो इनके इनसे बहुत प्रभावित हुए वहाँ। और जापान पहुँचने से पहले शायद वो जर्मनी गए थे, वहाँ उन्होंने हिटलर से भी मिला और हिटलर से मिलना भी इतना आसान नहीं था, जैसे तैसे उनसे मिले। और बोलते हैं कि हिटलर का भी तीन रूप था, मतलब कि दो वो फोटोकॉपी अपने साथ, दो कॉपी वो रखते थे। और जब वो मिलने गए हिटलर से, तो पहले बार में ही हिटलर उनसे मिलने नहीं आए है ना, शुरुआत में एक फोटोकॉपी आया उसका जो उनका कॉपी था, आए हाँ मैं हिटलर हाँ, आके ऐसे संबोधित करता था, जी बताइए कैसे आपका आना हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस बोलता था आप हिटलर नहीं हैं, मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूँ, लेकिन आप हिटलर नहीं हैं, आप हिटलर को भेजिए, मुझे उनसे मिलना है ना। सेकेंड बार आया फिर वैसे ही मैं हिटलर, जी हाँ बोलिए। तो उस बार भी वो बोले कि आप हिटलर नहीं हैं, मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूँ। थर्ड राउंड में आना ही पड़ा हिटलर को, हाँ तो बताइए कैसे आपका आना हुआ है ना। और एक चीज़ आप ये बताइए कि आपको कैसे पता चल गया कि मैं हिटलर, मतलब जो दो पहले आया वो हिटलर नहीं थे, आपको ये बात कैसे पता चला। तो उन्होंने बोला कि हमारा जो देश वो गुलाम है और मैंने आपके पास मदद के लिए आया है, तो कोई भी आएगा तो थोड़ा सा रौब अपना रौब दिखाएगा, थोड़ा ठाट बाट से बोलेगा, लेकिन उन लोग तो पहले ही आके मुझे भाव देने लगे, तो समझ में आ गया कि शुरुआत में ही भाव दे रहा है अभी गुलाम देश के लोगों को, तो वो हिटलर नहीं हो सकता। तो बहुत प्रभावित हुआ हिटलर, और हिटलर ने ही इन्हें जापान भेजने के लिए पनडुब्बी का व्यवस्था किया और उन्हें जापान भेजा। और उसमें द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और जापान की मदद से फिर इन्होंने सेना तैयार किया। और जैसे अभी दादू बोल रहे थे कविता में कि दिल्ली चलो, तो जब इन्होंने सेना का जब निर्माण कर रहा था तो ये बात भी ये बरर के बोलते थे कि दिल्ली चलो है ना। और जैसे सर बोल रहे थे कि इनका मुख्य जो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा है ना, तो इस तरह का नारा था। और ये जब ये शुरुआत में जब निकले थे भारत से सेना बनाने के लिए, तब वो अकेले थे है ना। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर भी बोलता है कि कोई यदि कोई डाक दिली यदि कोई नाश होने तब अकेला चलो रे है ना। ये कोई साधारण इंसान नहीं थे, असाधारण थे, क्योंकि निकले तो अकेले थे लेकिन जब वो वापस आए तो मैं बता रहा हूँ हजारों लाखों लोगों का सेना लेके वो लेकर आए। और बर्मा में और कहीं कहीं उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया, बहुत भयंकर युद्ध हुआ, कुछ युद्ध इन्होंने जीता कुछ युद्ध बाद में वो हार गए, क्योंकि बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान का भी हार हो गया तो उधर से फिर मदद आना बंद हो गया, तो फिर हार गए। उसके बाद भी हारे नहीं थे है ना, क्योंकि उन्होंने फिर सेना बनाने के लिए बोलते हैं कि फिर से उन्होंने जा रहे थे तो प्लेन क्रैश में बोलते हैं कि ये मारे गए हैं, लेकिन ये मारे नहीं गए हैं। अगर ये मरा हुआ होता तो हम लोग इतने लोग जो हैं इकट्ठा हुए हैं इकट्ठा नहीं होते, ये आज भी हम लोग के बीच में हैं, आज भी ये हमारे देश में हैं, ये जिंदा हैं, तभी हम लोग यहाँ पर इनका जन्म उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इतना बोलकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस की जय। सुभाष चंद्र बोस की जय। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। अमर रहे अमर रहे। हर हर महादेव। सुभाष चंद्र बोस को मतलब बोलियों में समाना संभव सबसे पहला प्रधानमंत्री तो ही अखंड भारत का प्रथम प्रधानमंत्री वही है।
भारत इससे 2 साल पहले ही आजाद हो चुका था, ये तो हम लोग को जानकारी नहीं थी, जानकारी छुपाया गया। आदरणीय मंच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ बंगाली समाज जिला इकाई के संरक्षक आशुतोष विश्वास चाचा, प्रांतीय इकाई के पदाधिकारीगण, प्रवक्ता श्री कन्हैया विश्वास जी, प्रदीप सरकार जी और संगठन मंत्री राहुल समद्दार जी, साथ ही हमारे जिले के पदाधिकारीगण एवं हमारे नवयुवक साथियों, आज हम लोग सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। भारत सरकार 126वीं सुभाष चंद्र की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया, ये अपने आप में एक उपलब्धि है हमारे बंगाली समाज के लिए। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितना ही बातें की जाए कभी खत्म होने लायक नहीं है, ना ही कुछ खत्म होने। मैं इनके जो बाल्य जीवन है, उनकी जो परिवार की जो शुरुआत, मैं उनके लिए थोड़ा सा 2 शब्द बोलना चाहूँगा। सुभाष चंद्र बोस के पिता जानकीनाथ बोस बंगाल के यानी कलकत्ता के 24 परगना जिले के एक सामान्य परिवार से थे, उन्हीं के परिवार में इनका जन्म हुआ। जन्म होने से पहले सुभाष चंद्र के पिता एक वकील थे जो अपने वकालती के कारण उड़ीसा स्टेट में आकर के बस गए और उड़ीसा में ही इनका जन्म हुआ। सुभाष चंद्र बोस के 14 भाई बहन थे, इनका नंबर था 9वें नंबर का, यानी 9वें संतान थे जानकी जी के। इनका जन्म सन 1897 में कटक जिला में हुआ था। उस समय इनके पिता जानकी बल्लभ बोस जी उड़ीसा के सरकारी वकील का कार्य किया करता था। इनके माता जी का नाम प्रभावती थी जो उत्तर कोलकाता का एक सामान्य परंपरावादी दत्त परिवार से बिलोंग करती थी। शुरू से ही सुभाष चंद्र बोस मेघावी थे, इन्होंने अपनी सामान्य प्रारंभिक शिक्षा कटक में और उसके बाद उच्च शिक्षा कलकत्ता में ग्रहण किया। इन्होंने सबसे पहली शुरू से ही एक कुशाग्र बुद्धि के थे, तेजस्वी थे, गरम दल के थे और ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत बड़े बड़े स्वतंत्र सेनानियों के साथ काम किया। सन 1921 में सबसे पहली बार इन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। इसके बाद 1941 तक कई बार गिरफ्तारी हुई और कई बार इनको रिहा किया गया। 50 साल इनकी उम्र जब 50 साल थी, 50 साल की उम्र तक भारत का इन्होंने स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया और आज़ाद हिंद फौज का निर्माण के साथ साथ कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भारत को स्वतंत्र करने के लिए बहुत सारे लड़ाई लड़ी। इसी वजह से इसके बीच में इन्होंने 2 ओजस्वी नारे दिए जो हमारे गुलाम भारत के लिए एक औषधि के रूप में काम किया। पहला नारा था तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और दूसरा नारा था जय हिंद, जो भारत के स्वतंत्रता के लिए बहुत कारगर साबित हुआ। और 50 साल तक इन्होंने लड़ाई करते करते 50 साल तक भारत को आज़ादी दिलाई। और आज हम इन्हीं महापुरुषों के, इन महानायकों के बलबूते पर आज हम लोग भारत देश में स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। इतनी करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की, सुभाष चंद्र बोस हर हर महादेव। प्रोग्राम समाप्त हो चुका है, अभी निकलते हैं घर अपने अपने, और सभी रात हो चुका है कि नहीं आएगा तो अच्छा लगा ना आके, मजा आ गया, पत्ती जल गया फिर से देश के प्रति। हां कि नहीं हो गया है, चल चल।
चलिए दोस्तों चलते हैं घर, रात हो चुका है, देख सकते हैं। ठीक है तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है हम लोग एक छोटा सा कोशिश किए सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाने की, ठीक है, छत्तीसगढ़ बंगाली समाज सूरजपुर की तरफ से। ठीक है जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय।